डीडी टुडे के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत में दो हिंदुस्तान, जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में देश के अंदर दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार विदेशों से लोगों को भारत लौटने के लिए विमान भेज रही है, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, दूसरा चेहरा उन लाखों मजदूरों का जो अपने घर परिवार लौटने के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह हरियाणा के कैथल से दर्जनों युवक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जाने के लिए निकल पड़े। सुनिए इनकी कहानी क्या थी। राजेश कुमार, कहाँ जाना है? रायबरेली। और कहाँ से आए हो? कैथल से। कितने लोग हो? 22 जन। क्या काम करते थे वहाँ? यही मजदूरी करते थे। तो कहाँ जाना अब? रायबरेली। रायबरेली तो तुम्हें वहाँ रोका नहीं किसी ने? नहीं रोका। तो खाना कहाँ से खाते थे इतने दिन? खाना तो वही जो रखे टमाटे वही खा लिया था, फिर उसके बाद नई व्यवस्था बनी तो पैदल ही चल गए। देश में वर्ग भेद, कोरोना वायरस की इस जंग में हम जीत सकते हैं और जीतेंगे, लेकिन देश के अंदर जो वर्ग भेद की खाई पैदा हुई है इसे पाटना मुश्किल होगा। हुंडरी से संवाददाता मिगलानी की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।